हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर वसीम आय खान, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभणी, महाराष्ट्र, इंडिया. आई वेलकम ऑल द व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज ऑफ जुडिशियल एग्जामिनेशन. सो टुडेज पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज अ डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट विच इज discuss under the Indian Penal Code 1860. Along with the definition, we will discuss the probable question which can be asked by the examiner on this particular definition, as well as we will discuss the question already asked by the examiner on the definition of public servant. तो इस लेक्चर में हम पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन डिस्कस करने वाले हैं. पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन के साथ साथ हम जो क्वेश्चन, प्रोबेबल क्वेश्चन जो आ सकते हैं पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन पे, वो भी डिस्कस करेंगे. उसके साथ साथ जो ऑलरेडी एग्जामिनर ने पूछे हुए क्वेश्चन, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं. तो विदाउट वेस्टिंग यूर मच टाइम, लेट अस स्टार्ट द टॉपिक. सो डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट अंडर इंडियन पिनल कोड. सो द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट हैज बीन mentioned and defined under section 21 of Indian Penal Code 1860. So section 21 mein public servant ka definition mention kiya hua hai. So the words public servant denotes a person falling under any of the description herein after following, namely. To jo public servant hai wo iske baad jo concept aane wale hai usme jo discuss kiya hua hai wo public servant कहलाएगा सेक्शन 21 के हिसाब से. सो एवरी कमीशन ऑफिसर इन द मिलिट्री, नेवल और एयर फोर्स. तो एयर फोर्स में अगर कोई ऑफिसर है या मिलिट्री में या नेवल में है, दैट पर्टिकुलर पर्सन विल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पब्लिक सर्वेंट. देन एवरी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज एनी एडजुडिकेटरी फंक्शन. तो जो जज है वो उसके साथ साथ अगर किसी पर्सन को एम्पावर किया गया है कोई जजमेंट देने के लिए या कोई वैसे फंक्शन डिस्चार्ज करने के लिए, तो ये दोनों पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन में आएंगे एज पर सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पिनल कोड. एवरी ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस इंक्लूडिंग अ लिक्विडेटर, रिसीवर और कमिश्नर. सो एवरी ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट, सपोज इफ द कोर्ट अपॉइंटेड एनी पर्सन एज अ लिक्विडेटर, एज अ रिसीवर, एज अ कमिश्नर, दैट पर्टिकुलर पर्सन विल कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट. तो कोर्ट ने अपॉइंट किए हुआ लिक्विडेटर, कोर्ट ने अपॉइंट किया हुआ रिसीवर, कोर्ट ने अपॉइंट किया हुआ कमिश्नर. सो रिसीवर, हमने देखा कि अगर फॉर एग्जांपल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अगर किसी पर्सन जो अब्सकॉन्डिंग है, जो फरार है, उसकी प्रॉपर्टी अटैच करने का पावर है कोर्ट को, तो कोर्ट क्या करता है, प्रॉपर्टी अटैच करते वक्त एक रिसीवर अपॉइंट करता है. तो सपोज अगर वो रिसीवर अपॉइंट किया कोर्ट ने किसी पर्सन को प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए, तो वो रिसीवर पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा सेक्शन 21 के डेफिनेशन के हिसाब से. नेक्स्ट वन इज एवरी ज्यूरीमैन, असेसर और मेंबर ऑफ अ पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और पब्लिक सर्वेंट. पब्लिक सर्वेंट को मदद करने वाला, असिस्ट करने वाला अगर कोई पंचायत का मेंबर है, पब्लिक सर्वेंट में आएगा. देन असेसर है, वो भी पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन में आएगा. ज्यूरीमैन है, वो भी पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन में आएगा. नेक्स्ट वन इज आर्बिट्रेटर टू हुम मैटर इज रेफर्ड बाय कोर्ट और कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी. सपोज इफ द कोर्ट और एनी कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी रेफर एनी मैटर टू आर्बिट्रेटर, दैट पर्टिकुलर आर्बिट्रेटर विल कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट. अगर आर्बिट्रेटर को, मध्यस्थी को अगर कोई कोर्ट मैटर रेफर करता है, तो वो मध्यस्थी भी पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन में आएगा. नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट ऑफिसर हुज ड्यूटी इज टू प्रिवेंट ऑफेंसेस एंड टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी. ऐसा गवर्नमेंट ऑफिसर जिसकी ड्यूटी है पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने की, पीस को प्रोटेक्ट करने का, या किसी पर्सन की सेफ्टी को प्रोटेक्ट करने की, या ऑफेंस को प्रिवेंट करने की, वो जो पब्लिक ऑफिसर है, वो जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा. नेक्स्ट वन इज एवरी ऑफिसर हु इज एम्पावर्ड टू टेक, रिसीव,
keep and expand any property on behalf of government and matters therein. So any officer who is empowered to receive any property, to keep that property, to expand that property on behalf of the government, that person will comes under the definition of public servant. तो ऐसा officer जिसको power दिया गया है government के जरिए कि वो कोई government के तरफ से property receive करे, government के तरफ से property को hold करे या उसको expand करे, तो वो person public servant के definition में आएगा. Next है एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस इन वर्च्यू ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू प्रिपेयर पब्लिश मेंटेन और रिवाइज एन इलेक्टोरल रोल और टू कंडक्ट एन इलेक्शन. तो ऐसा पर्सन जो इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए एम्पावर किया गया है, पब्लिक सर्वेंट है, ऐसा पर्सन जिसको इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करने का काम दिया गया है वो पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिश करने का काम दिया गया है पब्लिक सर्वेंट है, इलेक्टोरल रोल मेंटेन करने का या उसको रिवाइज करने का काम दिया गया है वो पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन में आएगा. इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट और रेम्यूनरेटेड बाय फीस और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी बाय द गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट के तरफ से पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने का गवर्नमेंट उसको रेम्यूनरेट कर रहा है, गवर्नमेंट उसको पैसा पे कर रहा है, पेमेंट दे रहा है, वो पर्सन पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन में आएगा. नेक्स्ट वन इज इन द सर्विस और पे ऑफ द लोकल अथॉरिटी अ कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर अ सेंट्रल प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट और अ गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 617 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956. तो 1956 के कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो अपॉइंट किया हुआ पर्सन है तो गवर्नमेंट कंपनी में वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा, लोकल अथॉरिटी में जो सर्विस कर रहा है कोई पर्सन वो भी पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन में आएगा. अ म्यूनसिपल कमिश्नर इज अ पब्लिक सर्वेंट, जो म्यूनसिपल कमिश्नर है वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा. देन तो दीज आर द पर्सन हु कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पब्लिक सर्वेंट. नाउ द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द एग्जामिनर ऑन the definition of public servant. So in the year of 2011 in the Maharashtra judicial examination one question was asked by the examiner and that question was the question number 66 was there. Who among the following is not a public servant within the meaning of section 21 of Indian Penal Code. So section 21 के हिसाब से कौन पब्लिक सर्वेंट नहीं है ये डेफिनेशन में बताया गया है. तो यहाँ पर म्यूनसिपल कमिश्नर, हमने ऑलरेडी डेफिनेशन देखा है, म्यूनसिपल कमिश्नर इज अ पब्लिक सर्वेंट. म्यूनसिपल काउंसलर, मैनेजर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक का मैनेजर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट है. कमीशन्ड ऑफिसर इन मिलिट्री, हमने देखा वाला ऑफिसर इन मिलिट्री नावल एंड एयरफोर्स इज अ पब्लिक सर्वेंट. सो ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट दैट इज अ म्यूनसिपल काउंसलर. जो म्यूनसिपल काउंसलर है वो पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन में नहीं आएगा. सो करेक्ट आंसर इज म्यूनसिपल काउंसलर. तो म्यूनसिपल काउंसलर पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन में नहीं आएगा. सो दैट इज अ करेक्ट आंसर ऑफ पब्लिक सर्वेंट. नाउ प्रोबेबल क्वेश्चन विच मे बी आस्क्ड बाय द एग्जामिनर. Under which section of Indian Penal Code 1860 the term public servant is defined? The options are section 20, 21, 22 and 23. Heading is slide ke upar heading hum dekh rahe hai, public servant ki definition section 21. So the definition of public servant is given under section 21 of Indian Penal Code. To is section 21 mein definition batayi hui hai public servant ki. So section 21 is the right answer. तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान में रखना है कि सेक्शन 21 आपको ध्यान में रखना है, पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन यहाँ पर बताई हुई है और जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए कि कौन कौन पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन में आएंगे वो आपको पॉइंट ध्यान में रखना है. सो ये था डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट. उसके साथ साथ हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किए कि किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है और कौन सा क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन, hit the notification button and share this video with your friends. Thank you very much.